Manuel. Sí, sí. Ahora viene ahí, The minister has assured. उनको कंप्लीट करने दो. हमारा कंप्लीट हो जाते. ये कंप्लीट हो जाते. रमेश जी, letting complete. अरे letting complete रमेश जी. बोलो. हाँ, please. मिस्टर विश्वमर जी, you please continue. मानवर, जितनी भी योजनाएं इनकी हैं, सब फ्लॉप हो गई हैं. फसल बीमा से केवल बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसान को उनका फायदा नहीं मिल रहा है. फसल बीमा योजना किसानों के लिए कम बीमा बाजार के लिए मुनाफे का सौदा है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 40% बीमा दावों में भुगतान की जिम्मेदारी दी, जिसमें कई राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करने से मानो मना कर दिया. तो कैसे आपकी जो है फसल बीमा लागू हो जाएगी? पहले से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान का फसल बीमा होता था. उस अनुभव के आधार पर दे प्रीमियम से कम दावे बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किए जा रहे. मानव पिछले दो मौसमों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को 20,374 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसमें दावे 5,50.37 करोड़ के हुए. मानवर जिसमें केवल 53 लाख किसानों को फायदा हुआ. मानवर इसी तरह से मानवर निजी कंपनियों ने एक पूरे देश में एडवर्टाइज किया, प्रचार किया, शोर मचाया कि हम प्रीमियम की राशि से कम 200 गुना का भुगतान करेंगे. बीमा कराने के बाद दावे से कम भुगतान हो रहा है. 2016-17 में बीमा कंपनियों की आय 1.27 करोड़ थी, इस वित्तीय वर्ष में 3 लाख करोड़ हो गई है. मानवर बीमा कंपनियों की जो प्राइवेट है उनको फायदा पहुंच रहा है, जिसमें 1,14,953 किसानों को 51.52 करोड़ का भुगतान किया गया, जो मानवर प्रीमियम से कम है. मानवर उसका 1.82% है. मानवर अब बताइए कैसे डेढ़ गुना करेंगे? 1.2% प्रीमियम का किसान को मिला है. मानवर लोकसभा चुनाव और प्रदेश के चुनाव की सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ. मानवर 2016-17 में 5,500 करोड़ के विपरीत 2,733.67 करोड़ के दावे किए गए. मानवर गत वर्ष 10 लाख करोड़ में से 67.11-13.42 का ऋण के दावे बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने में आनाकानी की जाती है. मानव बिचौलियों के माध्यम से मानव कमीशन लिया जाता है. मानव ये बात करते हैं कि कृषि जमीन परीक्षण की बात करते हैं, इसमें बताना चाहेंगे देश में 648 कृषि विज्ञान केंद्र है. मानव जहां पर 6 विषय वस्तु विशेषज्ञों का प्रावधान है. देश में कुल 4,487 पदों में 1,014 से ज्यादा पद रिक्त हैं. देश में 70 कृषि विश्वविद्यालयों की हालत बहुत खराब है. मानव मानक के अनुसार जमीन नहीं है, अनुसुविधाएं नहीं है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के हालात बहुत ज्यादा खराब है. यदि उत्तर प्रदेश में देखें झांसी, अलीगढ़, बनारस, इलाहाबाद, बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है. मानवर उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में फैजाबाद, कानपुर, बांदा, मथुरा के हालात बहुत खराब है. मानक के अनुसार अभी तक फैकल्टी पूरी नहीं. मानवर कृषि विज्ञान केंद्रों में बुरे हाल है. उनके पास पर्याप्त लैब नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, गैर सरकारी संगठनों के केंद्र तथा सरकारी केंद्र या एनजीओ के मालिकों के लिए. मानवर ये केंद्र हैं एनजीओ के लिए काम करते हैं या उनके मालिकों के लिए काम करते हैं या राजनीतिक दलों के असरदार बड़े लोगों के लिए कृषि फार्मों के लिए उनके कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं. मानवर तो हवा हवाई हो रहा, बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ कृषि वैज्ञानिक लगे हैं, किसान को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा. मानवर देश में कृषि की तरह मत्स्य पालन व मत्स्य आखेट का काम करोड़ों फिशरमैन करते हैं. मानवर जिनको जल किसान कहा जाता है. मानवर चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, झील हो, जलाशय हो, समुद्र में मत्स्य आखेट का काम करते हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है. मानवर आए दिन श्रीलंका और पाकिस्तान की सेना मछुआरों को पकड़ कर ले जाती है. आज भी हजारों फिशरमैन श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में बंद है. मानवर इसे छुड़ाया जाना चाहिए. मानवर उसके हित के लिए योजनाएं बनाई जाना चाहिए. मानवर मानवर आज देश के हालात बहुत खराब है. बेरोजगारी के लिए मानवर हम लोगों ने जो बजट में रखा था, अब पहले इन्होंने 2014 तक कहा देश संविधान में संशोधन कर दे कि 5 साल का चुनाव न हो,
आज ही संशोधन ले आए कि 2019 का चुनाव हो 2022 में चुनाव हो तब तो मान सकते हैं कि आप 2022 में 70,000 लोगों को नौकरी देंगे। हम 10 करोड़ तो आपके चले गए, वो जुमला हो गया, लेकिन अब 70 लाख लोगों को नौकरी देने का 2022 तक जो वादा किया है मानवर, वो भी आपने चुनाव के मौके पर किया है मानवर। हम जानते हैं कि गाँव में जब प्रधानी का चुनाव होता है और लास्ट में जब चुनाव का टाइम रह जाता है तो प्रधान क्या करता है, राशन कार्ड उसके आवास के लिए, उसके शौचालय के लिए, उसके पट्टे के लिए फौरन ग्राम सभा की बैठक करके कार्यवाही में नाम दे देता है, सबके घर में कह देता तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, मुझे प्रधान बनाना, इस बार मैं तुमको मकान दूंगा। वही हाल मोदी जी का है, इन्होंने कहा था कि 2014 में जो कहा था कि हम आपको जो है 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, आपको किसानों को 1.5 गुना मूल्य देने का काम करें, कोई काम मानवर इस सरकार ने नहीं किया है मानवर, केवल जुमला रह गई मानवर। मानवर देश में जहां जहां चुनाव हुए मानवर, माननीय प्रधानमंत्री जी सभाएं किए, हर जगह 24 घंटे बिजली की बात किया, आप बिजली का उत्पादन कर नहीं रहे, कैसे बिजली होगी? उत्तर प्रदेश में आज बिजली का हालात बहुत खराब है, जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अखिलेश यादव की सरकार थी, चित्रकूट जो भगवान राम की स्त्री जहां के हम लोग रहने वाले हैं, 24 घंटे बिजली मानवर रहा करती थी, आज वहां 15 घंटे 20 घंटे बिजली नहीं मिल रही, वहां के साधु संत जो है परेशान है, कहते हैं कि हमें तो पुरानी सरकार अखिलेश यादव की सरकार अच्छी थी मानवर। मानवर जिस तरह से इन्होंने लॉलीपॉप देने का काम किया, बिहार गए कितने लाख हजार करोड़ का वादा करके आए कि हम यहाँ विकास करेंगे, चुनाव के बाद सब बता दिया कि ये तो चुनावी जुमला था मानवर। इस तरह से मानवर पूरे प्रदेश में जो अखिलेश यादव की सरकार ने निःशुल्क बिजली देने का काम, निःशुल्क नहरों से पानी, ट्यूबवेलों से पानी, 15 लाख से ज्यादा समाजों की पेंशन देने का काम, लैपटॉप देने का काम मानवर, तो मानवर उनको सब योजना बंद कर दिया गया। एक तरफ अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम करते हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको जो है पकौड़ा पकाने का काम करते हैं, इसमें दोनों में अंतर है। तो मानवर इसलिए हम चाहते हैं कि जो आज देश में महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, उसका बजट में कहीं कोई आता पता नहीं है, और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो एफडीआई की बात कही है 100% एफडीआई देश में ले आए, रिटेल जो छोटे छोटे व्यापारी हैं कहाँ जाएंगे, आज जीएसटी लगाने से पूरा बर्बाद हो गया है, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया है। हम कहते हैं आप 100 का नोट जैसे लाते 100% में बात कर रहे हैं, आप 28% आप लगा देते जीएसटी लगा देते हैं, आप 5% ट्रांजेक्शन चार्ज लगा देते हैं, आप 20% टैक्स लगा देते हैं, तो क्यों 100 रुपये में कहते हो कि 100 रुपया देने का वचन देता हूँ, उसमें कह दीजिए कि हम 100 रुपये में केवल 43 रुपये देने का वचन देते हैं, बाकी तो आप सब टैक्स में काट ही रहे, क्यों देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मानवर आज 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा देने का लक्ष्य इनका जो है, ये सब खोखला है, जुमला है, ये केवल बीमा कंपनियों के लिए फायदा होगा। मानवर आयुष्मान भारत के लिए 1200 करोड़ का जो इन्होंने व्यवस्था की, मानवर पहले हमारे अस्पताल ठीक करा दें, जो मेडिकल कॉलेज हैं 24 नए मेडिकल कॉलेज उनको ठीक करा दें, वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था करा दें। मानवर ये केंद्रीय बजट गरीब विरोधी बजट है, चुनावी खराब बजट है, गरीब किसान मजदूर विरोधी बजट है, बेरोजगारों कारोबारियों को अनदेखी करने वाला बजट है, किसानों को छलने वाला, अमीरों को बढ़ावा देने वाला बजट है। देश में किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कर्ज न माफ करना, 2022 के सपने दिखाना जमीनी हकीकत से दूर है मानवर। तो इसलिए मैं इस बजट भाषण के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आपने वादे किए हैं आप वादे जमीन पे नहीं उतरे, धरा पे नहीं उतरे, इसलिए 2019 में जो है अब जनता आपको बता देगी, अपने आप बता देगी, इसलिए चोर सिपाही का जो यहाँ खेल चल रहा था ये सब बंद होना चाहिए, यहाँ गरीबी भुखमरी और बेरोजगार पर चर्चा होनी। बहुत बहुत धन्यवाद।